वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो इससे जो पहली वाली क्लास थी उसमें हमने बात की थी टीएस ऑफ राइजोम, टीएस ऑफ स्टेम, टीएस ऑफ लीफ और टीएस ऑफ रूट। ठीक है, आज हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन, इक्विसिटम के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हमारे रिप्रोडक्शन की। इसके अंदर हम देखेंगे कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, आज के हमारा जो टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन इन स्पोरोफाइट। ठीक है, अभी हम स्पोरोफाइट प्लांट पढ़ रहे हैं। ये स्पोरोफाइट बाद में किसमें डेवलप होगा, गेमिटोफाइट के अंदर डेवलप होगा। ठीक है, तो स्पोरोफाइट के अंदर जो इक्विसिटम का स्पोरोफाइट है उसके अंदर किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है, ये हम आज देखना चाहते हैं। ठीक है, चलिए जी, तो पहले बात करते हैं हम रिप्रोडक्शन की। देखो, स्पोरोफाइट जो प्लांट होता है उसमें निम्न विधियों के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। विधियां कौन कौन सी है, सबसे पहली विधि है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, कायिक जनन, इसे क्या बोलते हैं हम हिंदी में बोले तो इसको कायिक जनन बोलेंगे। ठीक है, तो कायिक जनन के द्वारा होता है एक तो, और दूसरा रिप्रोडक्शन बाय स्पोर। स्पोर मतलब बीजाणु, स्पोर को हम क्या बोलते हैं, बीजाणु। बीजाणु के द्वारा जनन वो कैसे होता है इसको हम समझेंगे। ठीक है, तो अभी मैं जो है मेरा वीडियो वो हटा देता हूँ इसमें से और हम देखते हैं इसको। ठीक है, देखिएगा जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है यहाँ पर हमारा, इस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किससे होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इक्विसिटम के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस अंग के द्वारा होता है, तो आपको लिखना है ट्यूबर। ट्यूबर यानी कि कंद, कंद के द्वारा होता है। और ट्यूबर कहाँ पर है, यहाँ पर है। और ये किसके अंदर बनते हैं, ये बनते हैं राइजोम के अंदर। किसके अंदर बनते हैं, ये राइजोम के अंदर बनते हैं। ठीक है, तो राइजोम के अंदर जो ये ट्यूबर बनते हैं इन्हीं से होता है रिप्रोडक्शन। कहाँ बनते हैं ये, तो ये बनते हैं पर्व संधि के ऊपर। कहाँ बनते हैं भाई, पर्व संधि के ऊपर बनते हैं। ठीक है, पर्व संधि जो होती है वहां पर कुछ कोशिकाएं जो होती है वो फूल कर नाशपाती के आकार की हो जाती है, अंडाकार हो जाती है और उसमें भोजन संग्रहित हो जाता है। क्या संग्रहित हो जाता है, भोजन संग्रहित हो जाता है। और भोजन के संग्रहण के कारण ये फूलकर मोटी हो जाती है, इसमें स्टार्च भर जाता है। मेन चीज क्या होती है इसके अंदर, स्टार्च होता है। ठीक है, ये जो राइजोम होता है उसे अलग हो जाती है और अलग होकर बाद में नया प्लांट बनाती है। तो ये इस तरह से होता है इसके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो देखते हैं हम किस प्रकार से होता है। तो कहाँ पर है हमारी ये ट्यूबर, ट्यूबर है यहाँ पर, दिख रही है आपको ये। अब मैं जरा इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से नजर आ जाए। ये देखिएगा, ये ट्यूबर यहाँ पर पहुंच गई है ऊपर की साइड में। मैंने इस डायग्राम को जो है यहाँ लगा दिया है। ठीक है, अभी ये आपको क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पर जो भी है। तो ये जो ट्यूबर है यहाँ पर, ये ट्यूबर है हमारी इस जगह पर। ठीक है, ट्यूबर कहाँ पर है, ट्यूबर है इस प्लांट में हमारे। इसको थोड़ा और हटा देते हैं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें मतलब है ट्यूबर से। ठीक है, तो ये हो गई हमारी ट्यूबर। अब इसको हम वापस ले आते हैं। देखो, अब ये जो ट्यूबर है भाई, कहाँ पर है ट्यूबर, ट्यूबर है यहाँ पर, ये ट्यूबर। ठीक है, अब ये ट्यूबर का फॉर्मेशन कैसे होता है, कौन करता है, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो इक्विसिटम में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो किसके द्वारा होता है, ट्यूबर के द्वारा। और ट्यूबर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कंद। ठीक है, किसके द्वारा होता है, ट्यूबर के द्वारा होता है। ट्यूबर जो होता है ये किस पे बनता है, तो ये बनता है भूमिगत राइजोम पर। जो तना, तने का जो भाग भूमि के अंदर धंसा रहता है, भूमि के अंदर पड़ा हुआ रहता है, उसके ऊपर ये बनता है। अगर आपसे पूछा जाए कहाँ बनता है, तो ये बनता है पर्व संधि पर। किस पर बनता है, पर्व संधि पर। पर्व संधि पर स्थित शाखा कलिकाओं यानी कि ब्रांच प्रिमोर्डिया के अनियमित विभाजन से विकसित होता है। अब होता क्या है यहाँ पर, अगर हम इस बात की चर्चा करें तो देखिएगा यहाँ पर क्या होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं कि यहाँ पर किस तरह की स्ट्रक्चर जो है वो प्रिपेयर की जाती होगी। ठीक है, चलिए तो इसको थोड़ा सा हम ऊंचा कर लेते हैं ताकि आपको दिख जाएगा क्लियर। ठीक है, ये कहाँ गया, ये रहा। ठीक, चलिए, लेकिन ये इधर का नहीं दिख रहा है ना, थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं, नहीं दिख रहा, इसको वापस ही लाना पड़ेगा। चलो ठीक है, इसको हम हटा देते हैं, वापस आ जाएगा। तो अब देखो क्या होता है यहां पर हम देखते हैं। तो ये है हमारा भूमिगत स्टेम, ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, राइजोम बोल रहे हैं। इसके यहां पर होती है नोड, ठीक है, यहाँ पर क्या होती है, नोड। हमने कहा था कि यहाँ पर क्या होती है, नोड होती है, ये हमने देखा था। इस नोड के अंदर कुछ कलिकाएं होती हैं, क्या होती है,
कुछ कलिकाएं जो शाखा का निर्माण करती है, लेकिन ये भूमिगत तना है, तो इस भूमिगत तने पर इस तरह से कलिकाएं उपस्थित होती है। यहां से ही ब्रांच का फॉर्मेशन होता है, अगर ये वायवीय होता तो यहां से ब्रांच का फॉर्मेशन होता, जब ये वायवीय हो जाता है तो यहां से एक ब्रांच का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो कलिकाएं होती है यहां पर, इन कलिकाओं को कहा जाता है ब्रांच प्रिमोर्डिया। क्या कहा जाता है इनको? ब्रांच प्रिमोर्डिया कहा जाता है, प्रिमोर्डिया, ठीक है। इनको क्या कहेंगे हम? ब्रांच प्रिमोर्डिया कहेंगे। अब ये जो ब्रांच प्रिमोर्डिया होते हैं, ये ब्रांच प्रिमोर्डिया यहाँ पर अनलिमिटेड मतलब अनियंत्रित विभाजन करते हैं। विभाजन यहाँ पर अनियंत्रित प्रकार का, अनियमित प्रकार का होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर इस तरह से एक कोशिका थी, तो फिर वो कोशिका अनियमित रूप से इस तरह से विभाजन करना शुरू कर देती है, जिसका कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होता है, ठीक है। ये विभाजन करते 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 काफी बड़ी हो जाती है, और काफी बड़ी होकर एक मोटी सी गूदेदार संरचना निर्मित कर लेती है, नाशपाती के आकार की संरचना निर्मित करती है, जिसे कहा जाता है ट्यूबर। क्या कहा जाता है इसे? ट्यूबर कहा जाता है। इस तरीके से ट्यूबर बन जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये भूरे रंग के नाशपाती के आकार का अथवा अंडाकार होता है। इसमें मंड तथा भोज्य पदार्थ संचित होते हैं। क्या क्या संचित होता है इसके अंदर? स्टार्च। मेन चीज क्या होती है इसके अंदर संचित होने वाली? स्टार्च। स्टार्च यहाँ पर संचित हो जाता है, ठीक है। कंद का केंद्रीय भाग पतली भित्ति की मृदुत के व स्टार्च युक्त कोशिकाओं से बना होता है, जिसके चारों ओर दृढ़ की कोशिकाओं का 2-3 स्तरीय आवरण होता है। मतलब इसका जो अंदर का भाग होता है, अगर हम अंदर के भाग की बात करें, तो अंदर का भाग तो होता है पतली मृदुत के कोशिकाओं से बना, लेकिन जो बाहर का भाग होता है, बाहर की तरफ में जो भाग होता है, वो बना होता है किसका? दृढ़ोत्कीय कोशिकाओं का। इस तरीके से ये बना होता है। तो बाहर की तरफ में दृढ़ोत्कीय कोशिकाएं होती है, और अंदर की तरफ में क्या होता है? अंदर की तरफ में होती है मृदुत्कीय कोशिकाएं, और बाहर की तरफ जो दृढ़ोत्कीय कोशिकाएं होती है, उनकी 2-3 लेयर होती है। यहाँ पर कितनी लेयर होती है? 2-3 लेयर होती है, ठीक है। इस तरीके से होता है, ठीक है। दृढ़ोत्कीय कोशिकाओं के 2-3 स्तर यहाँ पर होते हैं। अब ये जो कंद होता है, या ये जो ट्यूबर होता है, ये ट्यूबर यहाँ से मातृ पादप से अलग हो जाता है, और अलग होकर जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो नए पादप का निर्माण कर लेता है। अब मेन चीज क्या है जो हम याद रखनी है? हमें ये याद रखना है कि जो राइजोम होता है हमारा, उस राइजोम की, ये जो राइजोम है, इस राइजोम के प्रिमोर्डिया, जो ब्रांच प्रिमोर्डिया है, वो अनियमित विभाजन करते हैं और एक नाशपाती के आकार की भूरे रंग की संरचना का निर्माण करते हैं, जिसके केंद्र में स्टार्च युक्त मर्दूत की कोशिकाएं होती है, और बाहर 2-3 स्तरीय दृढ़ोत की कोशिकाएं होती है। ये कंदनुमा संरचना होती है जो पादप से अलग हो जाती है, और अलग होकर अनुकूल परिस्थितियों में नए पादप का निर्माण करती है। तो ये अलग हो जाएगी और अलग होकर जो है नया पादप यहाँ पर निर्मित कर लेगी। तो ये जो स्ट्रक्चर है हमारी, ये स्ट्रक्चर अलग हो जाएगी और अलग होकर यहाँ पर नया पादप जो है वो तैयार हो जाएगा, और इसके ऊपर एक नया पादप तैयार करना शुरू कर देगी, जिसे हम बोलेंगे वापस हमारा एक्विसीटम, ठीक है। और ये जो एक्विसीटम होगा, ये स्पोरोफाइट होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कंद का स्ट्रक्चर कैसा है, तो कंद का स्ट्रक्चर यहाँ पर 2N होगा, और ये स्पोरोफाइट जो प्लांट है, ये भी 2N होगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि ये कायिक जनन है, ठीक है, बीजाणु जनन नहीं है। कौन सा जनन है? ये कायिक जनन है, ठीक है। अब जो सेकंड चीज है हमारे पास में, सेकंड टाइप, वो है रिप्रोडक्शन बाय स्पोर। स्पोर के द्वारा रिप्रोडक्शन, वो कैसे होता है इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो स्पोर के द्वारा जो रिप्रोडक्शन होता है, वो देखो आप, वो कहाँ होता है, किसके द्वारा होता है? तो इसके अंदर जो स्पोर के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, वो स्पोरोफाइट प्लांट में स्पोर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और जो स्पोर का फॉर्मेशन होता है, वो एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्या होता है वो? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, यानी कि अलैंगिक जनन। कौन सा जनन है ये? अलैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन, ठीक है। अब ये जो अलैंगिक जनन हो रहा है यहाँ पर, ये अलैंगिक जनन जो स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है, वो अलैंगिक जनन है। अब ये देखो, ये जो कोन है, कोन की स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, ये समय के साथ इस तरह से बदलती हुई चली जाती है। जब जैसे शुरुआती तौर पर तो ये इस तरह से कॉम्पैक्ट होता है, बिल्कुल एक दूसरे से ठसी हुई रहती है। यहाँ पर जो स्ट्रोबिलाय होती है, वो एकदम कॉम्पैक्ट रहती है, ठीक है। लेकिन धीरे 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 जैसे ये परिपक्व होता चला जाता है, इनके जो इनके बीच में कुछ खाली स्थान जगह बनना शुरू हो जाती है, ठीक है। जैसे जैसे खाली स्थान या जगह पर बनना शुरू हो जाती है, ये एक दूसरे से अलग हो जाती है। अलग होते इनमें से जो है ये बीजाणु निकल कर बाहर आ जाते हैं, इन्हें कहते हैं हम स्पोर। इन बीजाणुओं को क्या बोलते हैं? यह है आपके स्पोर, ठीक है।
और ये जो स्ट्रक्चर है इसे पूरी की पूरी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, कोन, कोन या स्ट्रोबिलाई, ये सब क्या है, कोन या स्ट्रोबिलाई है। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर हम देखें तो जो हमारा इक्विसिटम होता है वो भी एक होमोस्पोरस जाति होती है, मतलब इसमें भी जो बीजाणु होते हैं वो समान आकार समान प्रकार के होते हैं। ठीक है, इन बीजाणुओं का निर्माण होता है स्पोरेंजियोफोर पर स्थित स्पोरेंजिया में। अब ये देखो ये जो कोन होता है ना, ये कोन है स्पोरेंजियोफोर के शीर्ष पर कॉम्पैक्ट कोन या स्ट्रोबिलाई का निर्माण होता है। तो ये जो है ये पूरा का पूरा है यहां से यहां तक इसका एक्सिस, और ये कंप्लीट एक स्पोरेंजियोफोर है, बीच में अंदर भी एक लाइन खींची हुई है यहाँ पर। तो ये पूरा का पूरा एक क्या है, स्पोरेंजियोफोर है। इस स्पोरेंजियोफोर जो होता है, इस स्पोरेंजियोफोर के शीर्ष पर ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसके ऊपर जो है एक कोन का निर्माण होता है। अगर हम इस कोन को देखें ढंग से, बड़े ध्यान से आप इसको देखोगे तो इसके अंदर छोटे छोटे से पार्ट बने हुए हैं। ये जो छोटे छोटे से पार्ट बने हुए हैं ना, यही है आपकी स्पोरेंजिया। क्या है ये, स्पोरेंजिया। ये छोटे छोटे से पार्ट जो बन रहे हैं, ये छोटे छोटी सी चीजें जो बनी है, ये क्या है, स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया। ठीक है, ये सब की सब क्या है, स्पोरेंजिया है। और ये जो स्पोरेंजिया है, इन स्पोरेंजिया के अंदर भरे हुए हैं स्पोर। तो अगर मैं स्पोरेंजिया को यहां से डिनोट करूं कि ये जो इस तरह का जो कलर वाली जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है वो कौन सी है, तो वो स्ट्रक्चर ये वाली स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये वाली स्ट्रक्चर है। और इन स्ट्रक्चर्स के अंदर ये देखो, यहाँ पर नीचे की तरफ में देखोगे तो खुली हुई है, और खुली हुई स्ट्रक्चर में से स्पोर जो है वो बाहर की तरफ में निकल रहे हैं। समझ में आ गई बात। तो जो बीजाणु होते हैं, बीजाणु का निर्माण होता है स्पोरेंजियोफोर पर, और स्पोरेंजियोफोर पर स्पोरेंजिया स्थित होती है। ये जो स्पोरेंजियोफोर है, स्पोरेंजियोफोर पर स्पोरेंजिया, मतलब ये जो छोटी छोटी काली काली संरचनाएं दिखाई दे रही है ब्राउन कलर की, ये स्पोरेंजिया है। और इन स्पोरेंजिया पर, ये बहुत सारी स्पोरेंजिया है, और इन स्पोरेंजिया के अंदर भरे हुए हैं आपके स्पोर, और ये सारी की सारी एक साथ जुड़ी हुई है और एक शंकु जैसी संरचना बना रही है जिसे हम बोल रहे हैं कोन या स्ट्रोबिलाई। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो इनके द्वारा होता है यहाँ पर रिप्रोडक्शन। अब कैसे होता है ये देखते हैं। देखो कोन और स्ट्रोबिलाई किस तरह की होती है। ठीक है, कोन और स्ट्रोबिलाई की अगर हम बात करें तो जो इक्विसिटम होता है, उस इक्विसिटम का जो कोन या स्ट्रोबिलाई होती है वो वाइवीय शाखाओं के शीर्ष पर एकल रूप में विकसित होती है। हमने देखा था जब हमने प्लांट को बनाया था, प्लांट का डायग्राम बनाया था, तो एक एक शाखा पर हमने एक एक ही कोन का फॉर्मेशन किया था। एक शाखा इधर निकल रही थी जो कि क्या थी, नॉन वेजिटेटिव थी, और ये कौन सी थी, फर्टाइल, और ये नॉन फर्टाइल। ठीक है ना, नॉन फर्टाइल शाखा और फर्टाइल शाखा, इस तरह से दो शाखा थी, एक शाखा के ऊपर लग रहा था कोन। ठीक है, तो प्रत्येक एक शाखा पर एक ही कोन लगता है, यानी कि एक रूप से ही है, एकल रूप से विकसित होता है, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके केंद्र में एक मोटा एक्सिस होता है। तो यहाँ देखोगे आप तो ये पूरा का पूरा क्या है, एक मोटा एक्सिस है ना, ये बड़ा लंबा होता है, इस तरह से एक्सिस होता है, जिसके चारों ओर टी आकार के लगभग 20 छाताकार स्पोरेंजियोफोर का एक चक्र होता है। अब इसकी अगर हम चारों ओर देखें तो एक साइड में, यहाँ बीच में से हम इसको काटें, तो बीच में से जब हम इसको काटेंगे तो हमें ये स्ट्रक्चर नजर आएगी, ये वाली स्ट्रक्चर नजर आएगी। ठीक है, और इसको अगर हम LS में काटेंगे, ये तो LS है और ये इसका क्या है, TS है। ठीक है, अब LS में अगर आप काटोगे तो हमें ये इस तरह की स्ट्रक्चर नजर आएगी। अब यहाँ पर आप गौर से ध्यान से देखना है इस स्ट्रक्चर को, जिसे कि मैं कलर कर रहा हूँ। ठीक है, हल्का सा मैं एक कलर कर देता हूँ यहाँ पर, ये देखो आप ये स्ट्रक्चर। ठीक है, ये स्ट्रक्चर देखते जाओ जिसको मैंने कलर किया हुआ है, ये स्ट्रक्चर को देखते जाओ आप। ठीक है, ये स्ट्रक्चर को देखते जाओ इधर से ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर बन रही है, ये स्ट्रक्चर यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ये इस तरह की दिखाई देगी, है ना, ये इस तरह की दिखाई दे रही है यहाँ पर, यहाँ पर ये इस तरह की स्ट्रक्चर। ठीक है, सेम स्ट्रक्चर है, लेकिन ये काटने पर हमें इसमें TS में इस तरह की दिखाई देती है और LS में इस तरह से दिखाई देती है, लंबा दिखाई देता है और इसमें इसे गोलाकार दिखाई देता है। ठीक है, अब यहाँ देखोगे तो इसके जो केंद्र होता है उसमें एक मोटा एक्सिस होता है। तो यहाँ ये एक बिल्कुल बीच में आप देखोगे केंद्र के अंदर क्या है, एक मोटा एक्सिस बना हुआ है, ये पूरा का पूरा एक एक्सिस है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। ठीक है ना, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है क्या है, पूरी की पूरी एक एक्सिस है। ध्यान से समझना है, एक एक चीज को समझ लेना है, ध्यान रह जाएगा, भूलोगे नहीं। तो ये पूरा का पूरा एक एक्सिस है। ठीक है, जो एक्सिस होता है इसके चारों ओर अगर आप देखोगे तो टी आकार के लगभग 20 छाताकार स्पोरेंजियोफोर का एक चक्र होता है। तो ये जो है छाताकार, ये जो छाताकार स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है,
ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये छाताकार स्ट्रक्चर है ना, ये छाते नुमा संरचना है, ऐसी एसी वाली जिसको मैंने अभी इस रेड कलर के अंदर अंडरलाइन किया हुआ है, ये छाताकार संरचना है, छतरी के जैसी संरचना है ना, ऐसी संरचना होती है। और इसमें लगभग कितने होते हैं 20, अगर हम इस एक्सिस को इस तरह से देखें, यहाँ देखें तो ये हमें ये भी एक छाता जैसी संरचना नजर आ रही है, ठीक है ना, छतरी का डंडा है और इसके ऊपर ये छाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर हमें नजर आ रही है, ये स्ट्रक्चर जो हमें नजर आ रही है, ये ऐसे 20 होते हैं एक चक्र में, एक साइकिल में कितने होते हैं ऐसे, लगभग 20 तक हो सकते हैं, ठीक है। अब आप देखोगे तो ये एक ऊपर का जो पार्ट होता है ये हमें दिखाई देता है, तो ये जो गोलाकार संरचना है इसको तो हम बोलते हैं पैलेट डिस्क, क्या बोलते हैं इसको, पैलेट डिस्क। तो ये स्ट्रक्चर तो क्या है आपकी, पैलेट डिस्क है, ठीक है। और ये जो गोलाकार संरचना इसे लगी हुई है इसके ऊपर, ये जिसको मैं रेड कर रहा हूँ, इस तरह की और भी संरचना यहाँ पर लगी हुई है व्हाइट कलर में, ये है आपकी स्पोरेंजियम। क्या है ये, स्पोरेंजियम दिख रहा है आपको, स्पोरेंजियम है। और ये जो स्पोरेंजियम है, इस स्पोरेंजियम के अंदर पाए जाएंगे स्पोर, इस स्पोरेंजियम के अंदर क्या पाए जाएंगे, स्पोर पाए जाएंगे। तो मैं इसको एक बार दोबारा से इसको इरेज करके और इसको फिल करता हूँ दूसरे कलर से। देखो ये स्पोरेंजियम है, ये स्पोरेंजियम है, ये स्पोरेंजियम है, ठीक है। और अगर मैं इस डायग्राम में देखूँ इसको, तो स्पोरेंजियम कहाँ है, ये रही छोटी छोटी सी काली काली सी संरचना है, ये स्पोरेंजियम है, ये स्पोरेंजियम है, ठीक है। तो ये जो स्पोरेंजियम होते हैं इनके अगर आप देखोगे तो ये इनकी संख्या कितनी होती है, एक साइकिल के अंदर 20 होती है लगभग, ठीक है। स्पोरेंजियोफोर का एक चक्र होता है ये, ऐसे जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, अब इसमें 16 है इस तरीके से, ठीक है। तो एक चक्र होता है, कोन का आकार आधे से लेकर 2 इंच तक का होता है, मतलब ये जो साइज होता है इसका, ये इंच लिखा हुआ है, डबल डॉट का मतलब होता है इंच, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये इंच में है, आधे इंच से लेकर कितना होता है, 2 इंच तक का होता है, 2 इंच तक लंबा हो सकता है ये, आधे इंच से लेकर 2 इंच तक का लंबा हो सकता है, ठीक है। ये लंबे और नुकीले शीर्ष युक्त होते हैं, लंबे होते हैं और इनका जो शीर्ष भाग होता है ये नुकीला होता है, ये जो शीर्ष भाग होता है कैसा है, यहाँ पर नुकीला है। तो ये होता है हमारा कोन। अब यहाँ पर याद रखने वाली बात क्या है, सबसे पहली बात तो कि जो हमारा जो कोन होता है वो कोन हमेशा एकल रूप में निर्मित होता है। देखो याद रखने वाली चीज के बारे में अब हम बात चर्चा करते हैं, जो कोन होता है हमारा वो कैसा होता है, एकल रूप में निर्मित होता है, और किस पर निर्मित होता है, वायवीय शाखा पर निर्मित होता है। केंद्र की बात करेंगे तो केंद्र में एक मोटा एक्सिस होता है जिसके चारों ओर टी आकार के 20 छाताकार स्पोरेंजियोफोर का एक चक्र होता है। कोन के आकार की बात करें तो आधे से लेकर 2 इंच तक का लंबा होता है, और ये जो लंबे इसके जो सिरे होते हैं, सिरा जो होता है इसका, शीर्ष जो होता है वो लंबा और नुकीला होता है। बस ये 3 बातें हमें यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। आगे चलें, चलिए अब जो प्रत्येक स्पोरेंजियोफोर है वो एक छतरी नुमा संरचना होती है, ऐसी ऐसी वाली संरचना दिखाई दे रही है हमें, ये छतरी नुमा संरचना है जिसमें हमें 2 भाग दिखाई देते हैं, एक आधारी भाग जो कि बेलनाकार होता है जिसे हम स्टॉक बोलते हैं, ये रहा आधारी भाग जो कि है हमारा बेलनाकार, और इसे हम क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। तो मैं इसको कलर कर देता हूँ ग्रीन, ये है मेरा स्टॉक, ठीक है। आधारी भाग है जो कैसा है, बेलनाकार है। दूसरा भाग होता है चपटा, चपटा होता है और कैसा होता है, षटकोणीय होता है, चपटा षटकोणीय भाग होता है जिसे कहा जाता है पैलेट डिस्क। तो यहाँ पर अगर मैं पैलेट डिस्क की बात करूँ तो ये पूरी की पूरी एक पैलेट डिस्क है, ठीक है। ये जो पार्ट है ये पूरा का पूरा क्या है भाई, पैलेट डिस्क का भाग है, और ये कैसा है, षटकोणीय है। षटकोणीय अगर आप ध्यान से देखोगे इसको तो इसके अंदर ऐसे ऐसे लाइन्स बनी हुई है, ऐसे ऐसे ये षटकोण जैसा है ना, ऐसे षटकोणीय होता है। इस डिस्क की जो निचली सतह होती है उसमें 5 से 10 बीजाणुधानियां लगी होती है, जो थैली नुमा नीचे लटकी हुई रहती है, बीजाणुधानियां है यहाँ पर जो थैली नुमा है और लटकी हुई है। जैसे जैसे ये कोण लंबा होता चला जाता है, इस भाग में जहाँ पर ये जो पैलेट डिस्क के साथ में ये बीजाणुधानियां लटकी हुई है, ये बीजाणुधानियां है और ये बीजाणुधानियां लटकी होती है, तो ये ढीली पड़ जाती है। जैसे ये ढीली पड़ जाती है बीजाणु इसमें से निकल कर बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो आज की बात आपको समझ में आ गई होगी कि हमने जो चीज पढ़ी है वो हमें याद रखनी है, मेन चीज ये है। आगे हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया,
ठीक है, जो स्पोरेंजियम है, इस स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट कैसे होता है। ठीक है, मतलब ये जो स्पोरेंजियम बन रही है, छोटी छोटी सी जो धानियां बन रही है, बीजाणु धानियां, इनका डेवलपमेंट कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। देखो ये दो तीन चीजें हमें याद रखनी है इसके अंदर। हमने बात स्टार्ट कर दी है रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन में आपको ये ध्यान रखना है कि जो रिप्रोडक्शन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, एक तो वेजिटेटिव हो रहा है और दूसरा स्पोर के द्वारा रिप्रोडक्शन हो रहा है। दो तरह का रिप्रोडक्शन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और दूसरा स्पोर के द्वारा रिप्रोडक्शन। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, तो ट्यूबर के द्वारा होता है, ये हमने देख लिया। ट्यूबर कहाँ बनती है, तो ट्यूबर जो होती है वो राइजोम का जो नोड वाला पार्ट होता है, जहाँ से ब्रांच का फॉर्मेशन होता है, वहाँ पर जो ब्रांच प्रिमोर्डिया होते हैं वो क्या करते हैं, वो डिवीजन करते हैं, बारंबार कोशिका विभाजन करते हैं और कोशिका विभाजन करके एक ट्यूबर जैसी संरचना बनाते हैं, नाशपाती के आकार की संरचना बनाते हैं जिसके अंदर स्टार्च होता है। ठीक है, स्टार्च भर जाता है उसके अंदर, वो भोजन संग्रहित करके स्टार्च का जो है स्टोरेज कर लेती है। उसके ऊपर द्रोणोथ की कोशिकाएं पाई जाती है, बाद में अलग हो जाती है और नया प्लांट बना लेती है। ये तो हो गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दूसरी बात की हमने स्पोर के द्वारा रिप्रोडक्शन, तो स्पोर के द्वारा जो रिप्रोडक्शन होगा वो कैसे होगा, स्पोर के द्वारा स्पोर बनेंगे कहाँ, स्पोरेंजियम में स्पोर का निर्माण। अब आपसे पूछा जा सकता है कि इक्विसिटम होमोस्पोरस है या हेटेरोस्पोरस है, तो जो इक्विसिटम है वो क्या है हमारे पास में, होमोस्पोरस, मतलब इसके अंदर जो बीजाणु बनेंगे वो समान आकार के बनेंगे। कहाँ बनेंगे, तो स्पोरेंजिया के अंदर बनेंगे। स्पोरेंजिया कहाँ लगेगी, स्पोरेंजिया लगेगी जो ब्रांच होते हैं फर्टाइल ब्रांच, उसके शीर्ष भाग पर लगेगी, जो एक्सिस होता है उसके शीर्ष भाग पर स्पोरेंजिया लगेगी। स्पोरेंजिया जहाँ पर लगेगी वहाँ पर वो एक कोन का फॉर्मेशन करेगी, एक जो है स्ट्रोबिलाय का निर्माण करेगी। ये स्ट्रोबिलाय शुरुआत में काफी कॉम्पैक्ट होती है। ठीक है, इसके अंदर जब हम इसको काटते हैं, जब इसको काटकर हम देखते हैं तो ये हमें इस तरह की दिखाई देती है। ठीक है, इस तरह की, इसका LS में इस तरह की दिखाई देती है और TS में इस तरह की दिखाई देती है। ठीक है, जो स्ट्रोबिलाय होती है या जो कोन होता है वो हमें इस तरह का दिखाई देता है। ठीक है, कॉम्पैक्ट होता है। अब इसकी जो TS अगर हम काटें तो इसमें T आकार की छाताकार संरचनाएं हमें दिखाई देती है, जिन्हें हम स्पोरेंजियोफोर बोलते हैं। ऐसी संख्या इनकी 20 होती है। ठीक है, एक कोन का आकार जो होता है वो आधे से लेकर 2 इंच तक का होता है, ये भी हमने देख लिया। ठीक है, और दूसरी बात इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जो हम जिसको हम काटते हैं, जिस डिस्क को हम काटते हैं या अलग करते हैं, उसके अंदर दो चीजें हमें देखने को मिलती है। एक मिलता है आधारी बेलनाकार भाग, जिसे हम स्टाक बोलते हैं, और दूसरा चपटा षटकोणीय भाग, जिसे कहा जाता है पैलेट डिस्क। एक नंबर का क्वेश्चन है ये आपका पैलेट डिस्क वाला। ठीक है, पैलेट डिस्क युक्त स्पोरेंजियोफोर किसके अंदर मिलता है, तो पैलेट डिस्क युक्त स्पोरेंजियोफोर हमें मिलता है इक्विसिटम के अंदर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना है हमें। और इस डिस्क के अंदर 5 से 10 जो होती है दीर्घित थैलीनुमा बीजाणु धानियां यहाँ पर लटकी हुई हमें मिलती है। ठीक है, लटकी हुई मिलती है, कितनी, 5 से 10 बीजाणु धानियां यहाँ पर लटकी हुई रहती है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम जो चर्चा करेंगे वो रहेगा हमारा डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम इक्विसिटम का। अब ये जो स्पोरेंजियम बना है, ये छोटी छोटी जो बीजाणु धानियां बनी है, इनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, ये बनी कैसे यहाँ पर, ये जो स्ट्रोबिलाय बना इतना बड़ा, ये बना कैसे, तो इसमें जो बीजाणु धानी है, जो एक बीजाणु धानी है, उसका निर्माण कैसे हुआ, और सभी बीजाणु धानियों का निर्माण उसी प्रकार से होगा, तो उसको देखेंगे हम कि वहां पर जो है निर्माण वो किस प्रकार से होता है। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच। और जो है आप लोग पढ़ते रहिए, एग्जाम फॉर्म जो है राजस्थान यूनिवर्सिटी के आ चुके हैं, आप लोगों के भी एग्जाम फॉर्म आ जाएंगे जल्दी ही, जनवरी में 10-12 जनवरी तक आपके एग्जाम फॉर्म आ जाएंगे, तो तब तक आप तैयारी करते रहिए, आपके एग्जाम होने वाले हैं, छोड़ना नहीं है बीच में किसी भी कीमत पर। देखो अगर मैं कहूँ, अगर आपके एग्जाम की अगर हम पॉसिबिलिटी देखें तो लगभग आपके पास में 4 महीने हैं अभी। 4 महीने का मतलब है 120 दिन है, और 120 दिन को अगर आप घंटों के समय में बांटोगे, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करोगे, तो एक किताब को पढ़ने के लिए मात्र आपके पास में 13 दिन है। कितने दिन है, 13 दिन। 13 दिन में आपको एक किताब को कंप्लीट करना है। तो जिसने अभी तक एडमिशन ले लिया है लेकिन उसके पास में बुक नहीं है, तो वो किताब जरूर खरीद ले। ठीक है ना, वो बुक जरूर खरीद ले, क्योंकि मैं तो एक पेपर पढ़ा रहा हूँ आपको, ये पेपर जहाँ तक होगा मैं लास्ट तक भी इसको पढ़ाता रहूँगा ऑनलाइन, और आप इसको पढ़ते रहेंगे। ठीक है,
ऑनलाइन ही आपको मिलेगा पूरा पेपर, जितना भी है इसके अंदर जितना भी कंटेंट है सारा मैं पढ़ाऊंगा आपको। ये हमेशा चलता रहेगा, इस पर रुकने का कोई नाम नहीं है इसका। जितने भी टॉपिक है आपके सिलेबस में सारे मैं कवर करवाऊंगा इस चैप्टर के, मतलब इस बुक के, जो टेरिडो फाइटा बुक है, इसके पूरे टोटल जितने भी पॉइंट है हर एक पॉइंट को मैं डिस्कस यहाँ पर करूँगा। तो ये तो आपका पूरा हो जाएगा लास्ट तक, ठीक है। इसकी तो कोई टेंशन लेने की आपको जरूरत है ही नहीं। लेकिन जो दूसरी बुक्स है आपके पास में, केमिस्ट्री है, जूलॉजी है ना, बॉटनी की दो किताबें हो रहे, तो आप ये जो किताबें हैं इसके साथ साथ में, ये यहाँ पर हम छोटे वीडियो इसलिए बनाते हैं 15 से 20 मिनट के, ताकि आप लोग जो है ना ज़्यादा स्ट्रेस में ना आए। एक साथ बहुत सारा आप सीख नहीं पाते हैं, छोटे छोटे वीडियो में क्या हो जाता है कि हम सीख लेते हैं, एक बार पढ़ लिया दोबारा 20 मिनट फिर दे दिए, भूल गए कुछ तो 20 मिनट फिर दे दिए कि क्या बोला था मैंने, वो आप दोबारा से रिवाइज कर सकते हो हर 20 मिनट में, है ना, पढ़ते वक्त। और उसको क्या कर सकते हो, मेमोराइज कर सकते हो। इसलिए छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो में यहाँ पर बनाता हूँ, 20 मिनट, 25 मिनट का, 30 मिनट का, चाहूँ तो मैं 1 घंटे का पूरा बना दूँ, पूरा का पूरा रिप्रोडक्शन एक बार में बता दूँ, 2 घंटे में पूरा हो जाएगा। मुझे 4 दिन आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन फिर आप 2 घंटे की क्लास रोज रोज नहीं पढ़ पाओगे, रिपीट नहीं कर पाओगे, उसका रिवीजन जो होता है ना वो नहीं कर पाओगे। तो अभी इस चीज को ध्यान से समझो, अगर आपके पास में 230 जो है क्या नाम से 4 या 12, 120 दिन है, 120 दिन में आप 9 किताबों का भाग दे लो, तो एक किताब के लिए आपके पास में मात्र 13 दिन का समय रहता है। 13 दिन के समय में आपको एक किताब को पढ़ना है। अब अगर अप्रैल में आपका एग्जाम होता है तो देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ठीक है ना, अप्रैल में, क्योंकि जनवरी में आपके जो है परीक्षा फॉर्म आ रहे हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी वालों के तो आएंगे, आप लोगों के तो जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के बच्चे उनके तो आएंगे, अगर आप राजस्थान के हैं तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के देख रहे हैं तो, ठीक है। और दूसरी यूनिवर्सिटीज भी जो है अब राजस्थान के अंदर वो सब निकाल रही है फॉर्म, धीरे धीरे 1-2-4 दिन में सभी यूनिवर्सिटीज के फॉर्म जो है अवेलेबल हो जाएगी, जिस जिस भी यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। तो अब आपके पास में बचते हैं 4 महीने, और इन 4 महीनों में आपको एग्जाम देना भी है, प्रैक्टिकल भी करना है, ठीक है ना, सारी चीजें करनी है, प्रैक्टिकल एग्जाम भी देना है, ये भी देना है, तो बहुत ही कम समय बचता है। अगर मैं उन 13 दिन, 13 दिन है आपके पास में, 13 दिन में से आप ये दिन निकाल लो, क्योंकि हम 6 घंटे सोते हैं, 6 घंटे सोते हैं, तो 6 घंटों के हिसाब से आप निकालोगे, तो पहले तो 13 को आप है ना जो 24 से गुणा कर लो, 13 को अगर आप 24 से गुणा करोगे या 25 से गुणा कर लो, 24 से मत करो, आप तो 1 घंटा एक्स्ट्रा मानो दुनिया में से आपके पास सबसे ज्यादा 1 घंटा एक्स्ट्रा है, ठीक है। फिर उसमें से 6 घंटे अपने सोने के निकाल दो, 2 घंटे इधर खाने पीने के निकाल दो, लगभग कुल मिलाकर आपके पास में एक दिन में मात्र 3 घंटे बचते हैं, ये 4 घंटे मान लो टोटल, तो वैसे 8-10 घंटे बचते हैं, क्योंकि अभी आप कॉलेज तो जा नहीं रहे हो, क्लास आप लगी नहीं रही है, तो पूरा दिन बच रहा है आपके पास में, ठीक है। तो उस समय का सदुपयोग करो और अच्छे नंबर लेके आओ, क्योंकि एग्जाम तो आपका होगा ही होगा, 100% आपका एग्जाम होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, इस बात को ध्यान रखना है, चिंतन करना है कि आपके पास में जो समय है उस समय का सदुपयोग कैसे करें और अच्छे नंबर लेकर आए, ठीक है। आप हर एक क्वेश्चन का आंसर एग्जाम के अंदर लिख पाए, इसके लिए हम आपसे ये जो है ऑनलाइन इंटरेक्शन कर रहे हैं, और आप लोगों हमारा समय जो है ऑनलाइन आपको दे रहे हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।